गाइस, इंडियन बाइक डेमोंस्ट्रेटरी में आ चुका है टाइटन, और टाइटन से लड़ने के लिए आ चुका है एवेंजर्स का टीम। क्या लगता है गाइस, टाइटन को मार सकता है कि नहीं एवेंजर्स का टीम? चलिए देखते हैं इस वाले में। क्या टाइटन, तुम मेरे हाथ से आज बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। आज तुम जितना ही कोशिश कर ले उतना नाकाम होगा, क्योंकि आज मेरे साथ स्पाइडरमैन है टाइटन टीम के साथ। आज तुम बचने वाला है नहीं भाई साहब। तो गाइस, इंडियन बाइक डेमोंस्ट्रेटरी में आ चुका है टाइटन, और यही नहीं पिछले बार आया तो फ्रैंकलिन मार के भगा दिया था, लेकिन इस बार तो काफी ज्यादा जायंट टाइटन बन के आया है। यही नहीं काफी खतरनाक भी बन के आया है। तो इस बार शहर में काफी ज्यादा धमाकेदार और टाइटन आके काफी ज्यादा शहर को तबाही मचाने वाला है। स्पेशली आया है फ्रैंकलिन को मारने के लिए। तो हमसे निवेदन है भाई, फ्रैंकलिन तो आ चुका है भाई कंट्रेशन एरिया के पास, और टाइटन तो इतने बड़े जायंट हो चुके हैं जो कि भाई पिछले बार तो इस बार टाइटन को मार दिए थे, लेकिन इस बार मारने में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होगा, क्योंकि भाई हम इसका पैर के मुकाबले भी नहीं आ रहे भाई। कितने जायंट हो चुके हैं, पिछले से ज़्यादा ही ताकतवर हो गए भाई, क्या ही होता है। तो गाइस, इसको मारने के लिए हमें तो कुछ तो उपाय लगाना ही पड़ेगा। अरे फिर तुम जहाँ भी हो आज तुम्हें खत्म ही कर देंगे, क्योंकि अगली बार तुम मार के चला गया था लेकिन इस बार तुम मार नहीं पाएगा, जितना कोशिश कर रहे तुमको पता है तुम यहीं पर हो। भाई टाइटन को मारने के लिए हमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और राइट गाइस, हम टाइटन को मारने के लिए हमें एक एवेंजर्स टीम का जरूरत है जो कि शोरूम के पास है। चलते भाई वहाँ पर कलेक्ट करते हैं, और ये सुपरमैन है तो चलते भाई सुपरमैन को कलेक्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और राइट गाइस, सुपरमैन भी कलेक्ट हो चुका है, अब भाई इसको कलेक्ट करते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा एवेंजर्स का टीम में शामिल करते हैं। तो ये रहा अपना सुपरमैन भाई, काफ़ी खतरनाक लग रहा है आप देखने में, क्या ही बताएं। तो ये कौन सा लोकेशन दिखा रहा भाई, कौन सा है शायद से? और राइट गाइस, ये रहा भाई आयरन मैन भाई, एक नंबर लग रहा भाई देखने में, आपको लग रहा है कि नहीं खतरनाक? तो चलते गाइस इसको भी कलेक्ट करते हैं। और राइट गाइस, ये भी हो चुका है अपना कलेक्ट आयरन मैन भाई, काफ़ी खतरनाक लग रहा भाई। एवेंजर्स का टीम में यही सब शामिल होता है भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो चलते इसको कलेक्ट करते हैं। तो हल्क पोस्टर तो यहाँ है भाई, हल्क पोस्टर तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लग रहा है देखने में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। तो चलते इसको भी कलेक्ट करते हैं। लेकिन भाई हमें कुछ तो डाउट लग रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन को क्यों ना एवेंजर्स टीम में शामिल कर दें, क्योंकि ये भी काफ़ी खतरनाक है। तो चलते हैं भाई, जो कि रैम का सबसे ऊपर फ्लोर पे रखा हुआ है, तो चलते हैं भाई इसको भी कलेक्ट करते हैं। तो और राइट गाइस, ये रहा अपना भाई स्पाइडरमैन, तो ये भी अपना करते हैं कलेक्ट, और भाई एवेंजर्स का टीम में करते हैं शामिल। तो और राइट गाइस, हमने एवेंजर्स टीम को बुला दिया है और सारे एवेंजर्स टीम को कलेक्ट कर दिया है। और भाई आप लोग भी देखते हो भाई, काफ़ी शक्ति टाइटन और एवेंजर्स टीम में फाइट होगा, कौन जीतेगा भाई आज? तो इस वाले वीडियो में आप लोग देख ही लोगे, लेकिन उससे पहले भाई एवेंजर्स का टीम में देख लो कौन कौन शामिल हुआ है, टाइटन, स्पाइडरमैन और साथ में हल्क पोस्टर, सुपरमैन, काफ़ी खतरनाक लग रहा है भाई। आयरन मैन तो भाई एक नंबर लग रहा है भाई देखने में, आपको कैसा लग रहा है भाई कमेंट कर दो। हमें तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है एवेंजर्स का टीम, अगर भाई ये भाई आयरन मैन भाई एक नंबर लग रहा है। तो भाई चलते भाई इसको सारे आयरन मैन और टाइटन टीम को चलते हैं टाइटन टीम से लड़ाते हैं, और आयरन मैन से टीम से लड़ाते हैं, मतलब एवेंजर्स टीम और टाइटन टीम से चलते हैं फाइट कराने, कौन जीतेगा चल लेते हैं। और राइट गाइस, टाइटन और एवेंजर्स टीम हो चुका है दोनों में फाइट जबरदस्त, और दोनों ही सामना सामने आ चुका है। टाइटन तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे हाथ से जिंदा भी बचने का नहीं नाम लोगे, तो इसलिए बोलते हैं तुम मेरे हाथ से बचने वाला नहीं। क्या लगता है, तुम एवेंजर्स का टीम हो के हमें मार सकता है? तुमसे तो लाख गुना ताकतवर है। नहीं है तो एक बार फाइट करके देख लो, हम तो हुका हुके चैलेंज देख रहे हैं। तुम भाई हमसे एक बार फाइट करो, नहीं तुमको ढेर कर देंगे। एक बार में नाम बता, मेरा नाम है टाइटन, और भाई कोई भी हमसे नहीं बच पाया है कि बेटा फ्रैंकलिन भी नहीं बचेगा भाई। उस बार तो बच गया था साले, लेकिन भाई इस बार तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। एवेंजर्स टीम को धमकाता है भाई, पता नहीं एवेंजर्स टीम कितना खतरनाक है भाई, एक बार मरेगा एवेंजर्स टीम तो छिड़िया जाएगा भाई, इतना खतरनाक टाइटन है भाई। तुमको तो भाई एक साथ तो नहीं मारने वाले, एक बार ही एक करके मारेंगे तब तुम्हारा औकात पता चलेगा। तो भाई ऐसे तो तुमको औकात पता चलेगा नहीं, तो चलो टाइटन, चलो एवेंजर्स टीम, चलो टाइटन को ढेर कर लेते हैं एक बार, बड़ा फड़फड़ा भाई, इसको एक बार में ढेर करते हैं भाई, क्या बताए।
भाई। और राइट गाइस, टाइटन और एवेंजर्स टीम के हो चुका है काफी ज्यादा खतरनाक बाताबोली, और बाताबोली में इतना खतरनाक फाइट होने वाला है। तो सबसे ज्यादा हल्क पोस्टर, क्या लगता है हल्क पोस्टर टाइटन को मार सकता है कि नहीं भाई? देखते हैं। अरे मार मार भाई मार हल्क पोस्टर, देखते हैं टाइटन भी क्या कर सकता है। तो अरे ये तो हल्क पोस्टर को मार दे भाई एक ही पंच में। भाई साहब ये तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर निकल गया भाई, क्या ही बताएं। अब इसे मारने के लिए हमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा जल का हल्क पोस्टर, ये कौन क्या, ये क्या कर पाएगा? ओ हरे हरे भाई, इसको भी मार दिया भाई। ओ भाई यार, अब भाई तीन को ही बचा है। अब देखते हैं आयरन मैन क्या कर सकता है। ये तो आया भाई, ये टाइटल भाई, अरे ये तो आयरन मैन का एक बार में ही मार दिया, अब क्या होगा? अरे यार, अरे भाई अब दो ही बचा है, स्पाइडरमैन और भाई सुपरमैन। सुपरमैन और स्पाइडरमैन ही है, क्या कर सकते हैं दोनों? टाइटन को मार सकता है कि नहीं? तो लास्ट उपाय तो यही है, सुपरमैन और स्पाइडरमैन मिलके फाइट करेगा तो वो इजीली मर जाएगा, नहीं तो भाई ऐसे मर नहीं सकता है। तो भाई हम बोलते हैं भाई दोनों एक बार ही फाइट करे तो ही बच्चा अच्छा है, नहीं तो टाइटन को बिल्कुल भी इजीली नहीं मार सकता है। तो चलते भाई फाइट देखते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं पहले आप लोग भी फाइट देखो क्या होता है, किसको मार सकता है कि नहीं। चलिए देखते हैं भाई, काफ़ी खतरनाक फाइट हो रहा है। अरे ये मेरा फाइट भाई यार। और राइट गाइस, टाइटन को भी भाई इजीली मार दिया भाई, इसका जीत कंप्लीट हो चुका है। और इसके जीत में भाई कौन सा गाना बज रहा है भाई, आप लोग भी सुन लो।